अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? अल्लाह तुहानू खुश रखे, रोजे रखना नसीबा जी करे रब। हर साल इंशाल्लाह अज तुहानू दसांगे इस वीक आलू मटर पा के चौल बनाने लगे हैं मटर वाले, तो फिर दसांगे किस तरह बनाने ने। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा, और खाने का बड़े शौक ना खाते हैं कई। इंशाल्लाह असं दसांगे किस तरह बनाने ने। अग असी बाल लिए चुल्हे च, चुल्हे बच्चे घी पा लिया, एक कप घी का पा लिया, इन असं चुल्हे पर रखा। किलो ले, अद्धा किलो दाने निकल आए हैं, माशाल्लाह काफ़ी निकल आते हैं। हम आलू असं दो तीन लैके इस तरह के कट लेने, थोड़े मोटे मोटे, क्योंकि चौलों से थोड़ा जहाँ लभन भी सही। अदरक तो हरा लसन असी कुट के रख लिया, प्याज असी दो तो तीन प्याज असी वे वे ले लेना, उन्हें असने छोटे छोटे कट लेने। हरिया मिर्चा दो तीन चम्मच है ने, चौलों से ज़्यादा आने फिर ही अच्छी लग गई, भी कट के रख लिया ने। एक कटोरी असी कट के रखी, चंगी तरह लाल करा। प्याज मसाला लाल हो गया, हम ए थोड़ा जहा पानी पा के ढक्कन देवे। कि प्यारा कलर आ गया प्याज का, पाओगे लसन अदरक रख रखे। अच्छा मेरा प्याज अदरक लसन बिल्कुल देखो ला ब्राउन हो गया, ये पावे अभी हम आलू तो मटर जोड़े मैं धो के रखे थे, इन्हों सब तो पहले इन्होंने पावे। हम पावे जीडिया अच्छी हरिया मिर्चा कट के रखी सी, टमाटर दो असी ले लेने फ्रीज किए थे, असं उन्होंने कुट लिया, उनका पेस्ट बना लिया। साबत जीरा, दालचीनी, बिरयानी का पत्ता जरा कड़ी पत्ता वह चौलों से पावे, बिच काली मिर्च इन्हों हम पावे, ये दो चम्मच पावे नमक दे, कसूरी मेथी एक चम्मच पावे, ये चौल बड़े मज़ेदार बन जाएंगे मटर वाले। लाल मिर्च पीसी भी पावे असी दो चम्मच, हल्दी पावे छोटी अद्धी चम्मच हल्दी की, काली मिर्च पावे एक चम्मच, असं चंगी तरह भुनाएंगे इन्हें। थोड़ी जी पावे ये इमली, इमली ने बड़ा मज़ेदार बन जाए, नींबू नहीं तो इमली पा लो थोड़ी जी, उसने बड़े मज़ेदार बन जाएंगे। और पीसा का धनिया एक चम्मच एंड ते पावे, चंगी तरह भी भुना के जरा लून मर्च साड़ी कच्ची ना रहे, मिर्चा मिर्चा पाइया ने चौलों के गले में ना पैन। माशाल्लाह देखो इन्ना सोहना कलर हो गया, इन्होंने थोड़ा जहा पानी ये हाँ, ये मिर्चा सड़ ना जान थले मसाला ना साढ़े सड़ जाए। आलू मटर वाले चौल बनावे इंशाल्लाह, देखो इन्होंने माशाल्लाह जो छड़ दिता आलू मटर साढ़े बिल्कुल भुने गए ने, कलर भी सोहना हो गया, घी इन्होंने देखो घी एक पास बिल्कुल छड़ दिता इन्होंने। अभी दो गिलास चौलों के ले ले जी, बिल्कुल साफ करके धो के रख लिया जी, थोड़ा जी पावे जी पानी, पानी पावे असी चार गिलास, चौल पुराने ने तो बिल्कुल पानी पावे पूरा, एक दो चार गिलास असी पानी दे पाते ने, उसने ये ढक्कन दे के ढक देवे, पानी पकन का इंतजार करांगे। अग लावांगे थले चुल्हे च, पानी साढ़ा माशाल्लाह पकन दे रहा है, देखो पानी पकन लग पाया, पावे चौल जिहड़े असी भेक रखे सी। बिस्मिल्लाह, 10-15 मिनट चौल असी भेक रख दिते ने, चौल जिन्हें भेजणगे उदे सोहणे पकदे ने। चौल चंगी तरह चमचा मार के मिक्स कर देंगे असी, चलो हम असी अग लावे थले, फिर साढ़े चौल दम छलाने वाले हो जाएंगे। चौल साढ़े असी दम च रखे रहे, बिल्कुल तैयार हो गए ने, साड़ी सब्जी वाली बिरयानी तैयार हो गई है, असी चेक करांगे
माशाल्लाह कितना प्यारा कलर देखो साड़ी बिल्कुल चौल तैयार हो गए नहीं मटन वाले असी हूँ प्लेट च पावांगे ते खावांगे बह के सुकून नाल माशाल्लाह साड़ी बिरयानी मटन वाली बहुत मज़ेदार बन गई है असी सलाद भी कट के रख लिया खाने वास्ते माशाल्लाह असी आराम बह के खावांगे हुण सुकून नाल असी वेखो रायता भी बना लिया मज़ेदार पदीना पा के हरा धनिया पा के हरी मिर्च कुट के माशाल्लाह चटनी बना लिया नाल दही दी नाल असी बिरयानी खावांगे बह के मटरां दी सब्जी दी बिरयानी कितनी सोहनी बन गई है साड़ी वीडियो तुहानू पसंद आई होवे फॉलो कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना तो बैल ते हाथ मार देना अस्सलाम वालेकुम फिर मिलांगे अगली डिश नाल अपना ख्याल रखना अल्लाह तुहानू खुश रखे अल्लाह हाफिज़।